Now this is an Android phone और ये है iPhone. अब अगर मुझे स्विच करना है फ्रॉम एंड्रॉयड फोन टू iOS या iPhone टू एंड्रॉयड, मेरे को एक प्रॉब्लम नहीं होती थी या आप सभी को भी शायद होती होगी कि क्यों स्विच करें, क्योंकि चैट जो बैकअप है WhatsApp के वो एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकते. लेकिन अब ये बहुत जल्द पॉसिबल होने वाला है. जी हाँ, बहुत ही आसानी से अब WhatsApp एक नया फीचर लाने वाला है जहाँ पे आप चैट हिस्ट्री जो है अपने WhatsApp की वो एंड्रॉयड फोन से आईफोन में या iOS में डाल सकते हैं, वहीं iOS या आईफोन से एंड्रॉयड फोन में डाल सकते हैं. ये एक बड़ी समस्या थी जो कि एक परेशानी हो रही थी सभी के लिए, और इसी कारण लोग एंड्रॉयड टू आईफोन या आईफोन टू एंड्रॉयड नहीं स्विच कर पा रहे थे. लेकिन अब इसका जल्द ही इलाज आने वाला है. बताएंगे पूरी खबर इस वीडियो में, आप देख रहे हैं टेक तक. मैं हूँ श्रुति शर्मा. तो सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, एक खबर हमें पता जो चली है वो ये कि जल्द ही WhatsApp एक नया फीचर लाने वाला है जहां आप अपने WhatsApp की जो चैट हिस्ट्री थी वो iOS प्लेटफॉर्म से Android या Android प्लेटफॉर्म से iOS पे आप ट्रांसफर कर पाएंगे बहुत ही आसानी से. और इसमें हम आपको बता दें कि कोई थर्ड पार्टी ऐप इन्वॉल्व नहीं होगी, इसमें WhatsApp के ही जरिए सीधे तौर पे आपका जो चैट हिस्ट्री है वो Android से iOS या iOS से Android पे ट्रांसफर हो सकती है. फिलहाल ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं था जहां ये चैट हिस्ट्री ट्रांसफर हो सकती थी, और इसी कारण काफी लोग एंड्रॉयड से iOS प्लेटफॉर्म में नहीं आ रहे थे और iOS से एंड्रॉयड में नहीं जा रहे थे. लेकिन बहुत ही जल्द अब ये पॉसिबल हो पाएगा. हालांकि अभी तक लोगों को लगता था कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए आप ये कर पाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है. काफी थर्ड पार्टी ऐप्स क्लेम भी करती हैं कि हम आसानी से आपके WhatsApp की चैट हिस्ट्री एंड्रॉयड से iOS या वाइस वर्सा कर सकते हैं. लेकिन आपको बता दें कोई ऐसा पुख्ता ऐप नहीं है जिससे ये पॉसिबल हो पाए. हालांकि वो सारी पेड ऐप होती हैं, पैसा जरूर आपसे ले लेते हैं, आप पेमेंट कर देते हैं, लेकिन आपका जो सोल्यूशन है चैट हिस्ट्री को ट्रांसफर करने का वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी तक वो पॉसिबल था ही नहीं. और क्योंकि चैट माइग्रेशन की बात करी जा रही है तो इससे ये भी सामने आ रहा है कि इसमें मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर हो सकता है, जिसका साफ मतलब है कि आप अपना एक WhatsApp अकाउंट मल्टीपल डिवाइसेस से चला पाएंगे, ऑपरेट कर पाएंगे. वही आपको बता दें, मेन कारण जो था, मेन रीजन जो था कि आप एंड्रॉयड से iOS और iOS से एंड्रॉयड पर स्विच नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोनों का जो चैट बैकअप है, जो चैट हिस्ट्री है उसका बैकअप है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आता था. जैसे एंड्रॉयड के लिए गूगल ड्राइव पे आपका चैट बैकअप आता है, वहीं iOS का जो चैट बैकअप है WhatsApp का वो iCloud में आता है. तो दोनों का जो चैट बैकअप है वो अलग अलग स्टोरेजेस पे है, इसकी वजह से ही ये जो चैट मैसेजिंग माइग्रेशन है वो नहीं हो पा रहा था और परेशानी का सबब बना हुआ था. तो एंड्रॉयड फोन से iOS चैट हिस्ट्री स्विच कर रहे हैं तो निकालना मुश्किल है, वहीं iOS पे एंड्रॉयड चैट हिस्ट्री जो है वो निकालना मुश्किल हो जाता था, और इसी कारण ये माइग्रेशन ईजी नहीं था, पॉसिबल नहीं था. हालांकि अगर हम टेलीग्राम की बात करें तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे चैट बैकअप एक सेम ही क्लाउड पे आता है, और इसीलिए आप किसी भी फोन पे स्विच कर रहे हो टेलीग्राम को iOS या एंड्रॉयड, चैट बैकअप आसानी से आपका माइग्रेट हो सकता है. उसमें जो एक्टिव डिवाइस है उसी पर टेलीग्राम चलेगा. जैसे ही आप नए डिवाइस पर स्विच करेंगे, पुराने डिवाइस पे आपका टेलीग्राम अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा. हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये जो फीचर है बहुत ही जल्द आने की कोशिश की जा रही है, इसका बीटा वर्जन अभी टेस्टिंग के लिए चल रहा है और बहुत जल्द ये सभी के लिए अब रोल आउट हो जाएगा. लेकिन कोई टाइमलाइन फिलहाल हमारे पास नहीं है, क्योंकि WhatsApp के फीचर्स थोड़ा वक्त ज्यादा लगाते हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि बहुत ही जल्द यानी इस महीने या अगले महीने तक ये फीचर हो सकता है रोल आउट हो जाए. लेकिन फिलहाल कोई टाइमलाइन इसमें नहीं दी गई है, लेकिन जब भी ये फीचर आता है आई एम श्योर ये बहुतों के लिए काफी परेशानी जो है वो आसान कर देगा, ताकि चैट माइग्रेशन जो है वो आसानी से स्विच हो सके, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो.